तो कल भी मैंने आपको एक ग्राफ बताया था। कल जो मैंने ग्राफ बताया था थोड़ा हायर लेवल का ग्राफ था, वो आपके लेवल पे, नीट लेवल पे मोस्टली चांसेस है कि उस ग्राफ को कोई टच नहीं करेगा, इसलिए 99.9% टीचर पढ़ाते भी नहीं है। कोई बात नहीं है, मैंने आपको उस लेवल का पढ़ाया तो मैंने ग्राफ समझाया। लेकिन ये ग्राफ जो अभी मैं लेके आया हूँ, ये ग्राफ भी आपके नीट लेवल पे तो इन जनरल नहीं पूछा जाता है, मगर ये ग्राफ एम्स लेवल का जब एग्जाम होता था तो खूब पूछा जाता था। और इस ग्राफ में कोई भारी भरकम चीज नहीं है, इसलिए इस ग्राफ को समझ लो, ये एग्जाम में आ सकता है। क्या है ये ग्राफ? कल मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स बताए थे, अगर आपको याद हो। क्या सभी बच्चा उस वॉल्यूम्स का कैपेसिटी बोल सकता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, तो आप उसका वैल्यू बोल सकते हो? सबसे पहले बोलो, टाइडल वॉल्यूम कितना होता? 500 ml। 500 ml। सब कुछ ml में ही चलेगा, इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। टाइडल वॉल्यूम के बाद इंसपायटरी रिजर्व वॉल्यूम, 2500 से 3000। 2500 पच्चीस से सौ से तीन तीन हजार हजार ERV एक्सपायटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से एक ग्यारह हजार सौ वन एक टू हजार वन से है ये 1100। 1000 से 1100। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। 1100 से 1200। 1100 से 1200। और कोई वॉल्यूम बच गया? नहीं, वॉल्यूम तो चार ही था ये। अब आता कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी में आप फार्मूला याद रखो, जब डाटा पूछा जाएगा तो आप फार्मूला से, आपको ये चारों डाटा याद है तो इसी चारों डाटा से तो उधर का फार्मूला बनता है। तो कैपेसिटी में आप क्या करो, केवल फार्मूला याद रखो, बाकी आप डाटा निकाल सकते हो ऑन पेपर, ठीक है? तो सबसे पहला कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जल्दी बताओ क्या क्या होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? TV+IRB। TV+IRV। हाँ, बाकी लोग सही हो गए, श्रद्धांजलि। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? TV+ERB। TV+ERV। आ इसके बाद मुझे बता दो फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या होता है? फंक्शनल आरबी ERB प्लस प्लस ERB। ERV। RB+ERV। वाइटल कैपेसिटी बता दो। IRB+TV। ERV, TV, IRB IRB, दिख रहा है ना साइड में, तो लिख रहा हूं। यस सर। टोटल लंग्स कैपेसिटी, ERB, IRB, TV, RB। ERB+ERB+TV+IRB। RB, ERB IRB+ERV, प्लस ये आपको पता है, ERB। ठीक है? बाकी कल मैंने आपको एक बात बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमारा जो एस्पायरोमीटर मशीन होता है, डिवाइस होता है जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखता है, वो एस्पायरोमीटर किसको किसको मेजर कर सकता है, मैं टिक लगा रहा हूँ, और किसको इसको मेजर नहीं कर सकता है, मैं उसमें क्रॉस लगा रहा हूँ। क्या वो टीवी को मेजर कर सकता है, ERV को, ERV को, RV को, नो सर, नो आरवी को मेजर नहीं कर सर, सकता क्योंकि वो लंग से बाहर नहीं आता है। अच्छा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को, नो सर। हाँ, जब टीवी और IRB को कर सकता है तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को क्यों नहीं कर सकता भैया? सर कर सकते, हाँ कर सकते हैं। मेजर तो वो ये करेगा, लेकिन आप ऑन पेपर ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यस को? यस सर, इधर यस देखो, सर इसको, कर इस दोनों को सकता मेजर कर सकता है तो इसको मेजर कर सकता है, फंक्शनल रेसिडुअल नहीं कर कैपेसिटी सकता, को नहीं कर सकता। नो क्यों? नहीं कर क्योंकि आप सकता। इसको तो मेजर कर लो, लेकिन जब यही नहीं मेजर हो पाएगा तो ओवरऑल ये मेजर नहीं हो सकता है। वाटल वाटर कैपेसिटी को कैपेसिटी कर सकते हैं, कर सकते हो, कर ERV सकते हैं, मेजर हो जाएगा, TV मेजर हो जाएगा, IRB मेजर हो जाएगा, तो ऑन यस पेपर सर 20 निकाल लोगे। टोटल कर सकते हैं, लंग्स कैपेसिटी को कर सकते नहीं हैं, निकाल नहीं सकते, निकाल सकते। ERB को, ERB TV ERB निकल जाएगा, IRB निकल जाएगा, ERV निकल जाएगा। जब RV नहीं निकलेगा तो आप टोटल लंग्स कैपेसिटी कहां से निकाल लोगे इस पैरामीटर से? ये अगर आपको पता है तो ये ग्राफ फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल ग्राफ है, एकदम बच्चों जैसा है, ठीक है? चलो आ जाओ मैं एक्सप्लेन कर दूं इसमें क्या है नहीं है। तो देखो आपने क्या करना है, मैं जहां पे अभी मार्कर चलाऊंगा आपको बताना है कि वो कौन सा पर्टिकुलर, लैग करेगा तो बताना, ठीक है? ये कौन सा पर्टिकुलर ये है, ठीक है? चलो आप देखो, मैं ये जो ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी हो रहा है, ये क्या है, कौन सा वॉल्यूम है? टाइडल टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा भी है, दिख रहा है टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ठीक है जी? अब मुझे बताओ
मैं ये 500 लिया छोड़ा लिया छोड़ा। अब 500 के बाद देखो मैं चाहता तो ऐसे 500 लिया छोड़ा अगर मैं नीचे जाता तब तो वो अलग ही बात होता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 500 लिया छोड़ा लिया, उसके बाद मैंने और वॉल्यूम ले लिया और वॉल्यूम ले लिया। बताओ ये जो वॉल्यूम मैंने इतना लिया दिस इज, जल्दी बोलो दिस इज आईआरबी इंस्पिरेटर रिजल वॉल्यूम। और उसका डाटा आपको लगभग यहाँ पे 3000 ml दिखा रखा है, 3000 ml ठीक है। तो ये देखो ये हो गया आईआरबी। अब मुझे बता दो आईआरबी जो लिए हो आप उसको छोड़ते भी तो फिर कभी, चलो ठीक है आईआरबी जो लिया आपने आईआरबी को छोड़ दिया, आईआरबी छोड़ दिया फिर नॉर्मल अब चल रहे हो, नॉर्मल चल रहे हो। अब नॉर्मल देखो नॉर्मल क्या होगा, सांस छोड़े आईआरबी छोड़ने के बाद, आईआरबी जो लिया था उसको भी छोड़ दिया, उसका नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया, फिर टाइडल वॉल्यूम लिया टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम लिया टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद आपने एक्स्ट्रा और छोड़ दिया, एक्स्ट्रा और छोड़ दिया, दिस वॉल्यूम ईआरबी, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज ईआरबी। अगर आप ईआरबी छोड़े तो पहले ईआरबी लेके रखोगे भी तो सही। तो ये देखो ले लिया आपने ईआरबी, फिर आप कहां पहुंच गए नॉर्मल, फिर आपने क्या किया दम लगा के ले लिया दिस इज कॉल्ड एज फिर से आईआरबी, फिर आपने आईआरबी छोड़ दिया, फिर नॉर्मल चल रहा है। आपको इस ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे थे, फिर आपने आईआरबी लिया तो आईआरबी छोड़ भी दिया, फिर आप नॉर्मल कर रहे हैं, फिर आपने ईआरबी छोड़ा तो ईआरबी फिर ले भी लिया, फिर आपने आईआरबी लिया आईआरबी छोड़ दिया, फिर आप नॉर्मल, ऐसा चलता रहता है। अब मुझे बता दो इसमें से मुझे कैपेसिटी अगर मार्क करना है तो मैं कैपेसिटी मैं आपको बताऊंगा मार्कर से, और आपको बताना है वो कौन सी कैपेसिटी के मैं बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो ये टाइडल वॉल्यूम है, तो ये देखो मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, ये कैपेसिटी क्या है देख लो, इसमें कौन कौन आया है आप देख लो, खुद देख लो, फॉर्मूला ऊपर है, जल्दी बताओ। आईसी क्यों, क्योंकि आप देख लो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम आया और आईआरबी आया और ऊपर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ऊपर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो देख लो ये रहा आईसी यहां से लेके यहां तक, ठीक है जी। चलो अब आप देखो ये टाइडल वॉल्यूम है, तो यहां से लेकर मैं यहां तक कोई कैपेसिटी को मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है आराम से इस साइड तुम देख के बताओ, ईसी क्योंकि इधर टाइडल वॉल्यूम आ गया एक्सपेक्टर इधर वॉल्यूम आ गया, तो देख लो ये है ईसी है। अब आ जाओ एफआरसी का फॉर्मूला आपको पता है, फंक्शनल एयर वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो क्या होता है अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऐसा है इसको तो आप ले रहे हो छोड़ रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ एयर है जो हमेशा लंग्स के अंदर है, दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल। तब अब आप गौर करना कि मैं यहाँ पे कुछ एरो बना रहा हूँ कैपेसिटी को, और आपको बताना है कि वो कौन सा कैपेसिटी है, ठीक है। ये क्या आपका, ये पूरा का पूरा क्या है ईआरबी, और ये पूरा का पूरा क्या है रेजुअल वॉल्यूम। तो मैं एक एरो बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ के बीच में, जल्दी बताओ ये क्या है, क्योंकि आप फार्मूला से ग्राफ मैच कर लो, आरबी प्लस ईआरबी इक्वल्स टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। चलो अब और कैपेसिटी कौन सा बच गया, वाइटल कैपेसिटी बच गया। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, ईआरबी टीबी प्लस आईआरबी, तो काम क्या जाए ईआरबी टीबी प्लस आईआरबी, ये क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ वाइटल कैपेसिटी, देखो यहां पे है वाइटल कैपेसिटी, यस सर। अब मुझे बताओ टोटल लंग्स कैपेसिटी के लिए मैं क्या करूं, क्या यहां से लेकर यहां तक पूरा बना दूं एरो, यस सर, यही एग्जाम में आता है, क्या करेगा आपको ऐसे दे देगा ए लिख देगा ए को भरिए, ऐसे दे देगा बोलेगा बी को भरिए, ऐसे लिख देगा बोलेगा सी को भरिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम। तो क्या ये ग्राफ बहुत भारी भरकम है, ये ग्राफ तो बहुत ही आसान है सिंपल है, अगर आपको चलो कोई बात नहीं, हाँ अगर आपको कल वाले फार्मूला का वॉल्यूम और कैपेसिटी का फार्मूला आता है तो आपको इस ग्राफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, इस ग्राफ को मैंने समझा दिया काफी अच्छे से, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हाँ सृष्टि को कंफ्यूजन इस ग्राफ में, नो सर। रिभा, नो सर। विवेक,
नो सर। तो ये ग्राफ आपकी नोटबुक में नहीं है, मैं चाहूंगा आप बना लेना, कोई भारी भरकम चीज नहीं है, बनाओगे तो दिमाग भी चलेगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और नोट्स में आ भी जाएगा सही। ठीक है, ये बना लेना। ठीक है, नौ इतना पढ़ाने के बाद याद करो मैंने कहा था कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, फंक्शनल पार्ट मतलब कि फिजियोलॉजिकल पार्ट में पहला पार्ट यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो आप पढ़ चुके हैं। फिर मैंने कहा कि जब आप ब्रीद करते हो, वेंटिलेशन लेते हो, तो उसमें कई सारे वॉल्यूम आप लेते हो, कई सारे वॉल्यूम छोड़ते हो, और इस दौरान आपके हम कई सारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इस रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मशीन होता है स्पायरोमीटर, और स्पायरोमीटर से मेजर करके जो हम कॉपी पे ग्राफ बनाते हैं, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज स्पायरोग्राम। क्या बोलते हैं उसको? स्पायरोग्राम। मशीन कॉल्ड एज स्पायरोमीटर, फिनोमिना कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री। मतलब जो ये प्रोसेस होता है फिनोमिना, जो आप एक्सपेरिमेंटल डाटा निकालते हो, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्पायरोमेट्री, एंड दिस ग्राफ कॉल्ड एज स्पायरोग्राम, मशीन कॉल्ड एज स्पायरोमीटर। ये सब चीज आपको काम आएगा मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्या, रेस्पेक्टिव वॉल्यूम कैपेसिटी, और अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर।